हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इक्लिप्स आईडी को कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और सबसे लास्ट में देखेंगे कि जावा प्रोग्राम हम इक्लिप्स आईडी में कैसे रन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में और गूगल सर्च में टाइप करेंगे इक्लिप्स डाउनलोड, और इसको हम लोग सर्च कर लेंगे। तो जैसे इसको सर्च करेंगे, बहुत सारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है eclipse.org, सबसे पहले आपको शो होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। चलिए हम भी क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड वाले पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो लेटेस्ट वर्जन है शो हो रहा है हम लोग को। सिंपल हम लोग डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अगेन हम लोग को डाउनलोड बटन शो होगा, इसमें हम लोग फिर से क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है रीड कर लेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसके अनुसार आपका डाउनलोडेड फाइल रेडी कर देगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है। हम इसको पहले ही डाउनलोड कर लिए थे, इसलिए कैंसिल कर देते हैं और चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया और सेटअप फाइल भी डाउनलोड फोल्डर में शो रहा है। इसमें हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसको रन कर लेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। इसको इंस्टॉल करते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो लैपटॉप या फिर पीसी है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे इरर्स हो जाएगा। तो आप पहले इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसके सेटअप फाइल को रन कीजिएगा। तो जैसे ही आप सेटअप फाइल को रन कीजिएगा, इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने में शो हो जाएगा। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आप इक्लिप्स आईडी को किसके लिए यूज करना चाहते हैं। अगर C++ के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर और किसी चीज़ के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो हम अभी इक्लिप्स आईडी को जावा के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप में जावा JDK इंस्टॉल नहीं है तो पहले उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसको कैसे इंस्टॉल करना है हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप इक्लिप्स आईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरे में इंस्टॉल था तो ये सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। देन इसके बाद कहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ करना है नहीं, सिंपल इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें जावा प्रोग्राम को रन करेंगे। देख सकते हैं कि मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल लंच बटन पर क्लिक करते हैं और इक्लिप्स आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप जो इक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाइएगा तो वो कहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेव होगा। तो ये ऑटोमेटिक सी ड्राइव सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली लंच बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही इक्लिप्स आईडी को आप फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने में शो हो जाएगा। तो गाइस, इक्लिप्स आईडी में अगर हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं जावा का, तो सबसे पहले हम लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फाइल मेनू में आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग जावा प्रोजेक्ट। अदरवाइज यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी है, इस पर भी हम क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फाइल मेनू में आते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग को प्रोजेक्ट नाम देना है कि हम लोग क्या नाम देते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट का आपको नाम रखना है वो रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है।
अब यहाँ देख सकते हैं कि src फोल्डर जो मेरा है वो आ चुका है यहाँ पे। तो अब src फोल्डर में हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और हम लोग एक जावा का क्लास ऐड कर लेंगे, क्योंकि जावा में हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो बिना क्लास का हम लोग ऐड नहीं कर पाते हैं या फिर कोई प्रोग्राम लिख नहीं पाते हैं। तो क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो भी क्लास का नाम आप लिखना चाहते हैं। हेलो ये हम लिख रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट का भी नाम हम वही रखे थे, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अभी चाहते हैं कि मेन मेथड भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ जाए, तो फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए मेन क्लास मेन मेथड को, अदरवाइज इसको अनचेक भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है, बस ओपन हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिख के आ चुका है। चलिए अब हम लोग सिंपल एक जावा प्रोग्राम लिख लेते हैं। सिंपल एक जावा प्रोग्राम लिख लिए। अब अगर इसमें हम लोग को प्रोग्राम रन करना होता तो यहाँ पे रन बटन आपको शो हो रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ सेलेक्ट करना होता है किस फाइल को आप रन करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट ऑटोमेटिक, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि जो मेरा आउटपुट है वो आ चुका है और मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।